हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे, जो गाइस कल ही अभी रिलीज हुआ है। सो गाइस, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? देखो, एक तरह का ना ये आपका एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, राइट? ये हर साल गवर्नमेंट जो है ना रिलीज करती है एनुअल स्टेटमेंट को, और आपके बजट से एक दिन पहले रिलीज होता है, और इससे ये रिव्यू हो जाता है कि आपकी इकोनॉमी ने कैसे वर्क किया। यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इकोनॉमी के प्रॉस्पेक्ट्स को बताता है। पब्लिश कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे? तो फिनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये आपका पब्लिश करती है। अब आज हम सीधा चलते हैं चैप्टर 1 पे। इसके हर एक चैप्टर को ध्यान से हम पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल्स होंगे वो हम निकाल लेंगे, ताकि जिस भी पेपर में अगर कुछ आए तो वो हम कर पाए। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्टडी एज शी गोज। अब देखो, इसमें यहाँ पर शी बोला है, ठीक है, और इकोनॉमी के लिए। एंड उसके बाद स्टडी का मतलब अगर आप देखो तो उसका मतलब होता है नियमित, यानी कि फिक्स्ड। स्टडी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, डेवलपिंग, ग्रोइंग और हैपनिंग ग्रेजुअली एट अ रेगुलर स्टेट। तो यानी कि आप समझ लो, डेवलपिंग इसका मतलब है, डेवलपिंग है, फिक्स्ड है, एज शी गोज। अब यहाँ पे ना देखो, इसने कुछ कुछ बातें करी हैं। सबसे पहली बात इसने यहाँ पर करी है कि देखो, इंडिया ने ना पैंडमिक को डील करने के लिए, पैंडमिक के रिस्पॉन्स में इकोनॉमिक फ्रंट पे 3 काम किए। तो वेरी फर्स्ट वर्क इज हमने पब्लिक स्पेंडिंग करी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब भी हम पब्लिक स्पेंडिंग करते हैं तो उससे इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे आती है? जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट आपका बढ़ता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसका भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, क्योंकि पता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। फिर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हमारी हुई फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल प्राइवेट सेक्टर की, जिसकी वजह से हमें एक हेल्प हमें गवर्नमेंट और आरबीआई से स्कीम्स के थ्रू भी मिला। सेकंड, हमें यहाँ पर हमने कहा कि हमने रिस्पांस ऐसे दिया पैंडमिक के इकोनॉमिक फ्रंट पे, हमने ना नेचुरल रिस्पांस कैसे लेकर आए, जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थे उनकी एडवर्सिटीज को खत्म करने के लिए हमने सर्विस डिलीवरी को डिजिटलाइज कर दिया। मतलब हमारा प्राइमरी फोकस ये आ गया कि हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म वे में लेकर आना है। तीसरा काम हमने करा कि हमने ना आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया पर हमने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। यहाँ हम आत्मनिर्भर भारत में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में टारगेटेड रिलीफ दे रहे हैं, यानी उस सेक्शन का पॉपुलेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे करनी है, ये सारा काम हमने इस बीच में करा। ठीक है, यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। फिर यहाँ ये कहता है कि देखो, हम जानते हैं कि ना ग्लोबल ट्रबल्स चल रही हैं, सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हैं, मानसून बहुत ज़्यादा वेरी करने लग गया है, हमारा जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो भी बहुत स्टॉक्ड है, क्योंकि मानसून के चक्कर में बहुत कुछ बदल रहा है। तो कह रहा है कि विच वर टू ए ग्रेट एक्सटेंट मैनेज बाय हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरी पॉलिसी के रिस्पॉन्स से हम इतने सारे चैलेंजेस को डील कर रहे हैं। तो जो फिस्कल बैलेंस है जनरल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब हम एक साथ देखते हैं तो आपको वो प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट कुछ तो नजर आएगी, डिस्पाइट की एक्सपेंशनरी आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। टैक्स कंप्लायंस हमारा क्यों अच्छा हुआ, गेन क्यों करने लग गए हम टैक्स कंप्लायंसेस को, क्योंकि हमने कुछ सारे प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लिए, एक्सपेंडिचर में रिस्ट्रेन लगाया, डिजिटाइजेशन करा, जिससे हमने फाइन बैलेंस अचीव करा है। एक्सटर्नल बैलेंस की बात करो तो उसमें ग्लोबल डिमांड गुड्स की है, और स्ट्रांग सर्विस सेक्टर लार्जली काउंटर बैलेंसेस, तो ये सब चीज़ें हमारी चल रही हैं। अब यहाँ ये कह रहा है जो नेट इम्पैक्ट पड़ा है ना डेवलपमेंट इकोनॉमी का रिकवर करने में और एक्सपेंड करने में लास्ट 3 ईयर्स में, तो रियल जीडीपी जो हमारी फाइनेंशियल ईयर 2024 की है वो आपकी 20% हायर है देन इट्स लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो यानी 20% का यहाँ पर हमने रियल जीडीपी पे ग्रोथ देखा है। अब देखो, आपको सवाल ये आना चाहिए कि रियल जीडीपी क्या होती है, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि जैसे आपने अभी पहले ही दिन आपने ज्वाइन किया है क्लास और आपका इच्छा हुई है कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो रियल जीडीपी देखो, सबसे पहली बात, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक मेजर है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, इन्फ्लेशन को ना एडजस्ट करके, और आपको इससे पूरा पता चल जाता है कि आपकी एक पर्टिकुलर ईयर में एक्चुअल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी थी। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर करते हैं, यानी प्राइस लेवल ले लेते हैं और उस हिसाब से हमें इसका आ जाता है कैलकुलेट करने को, एन अपॉन डी कहते हैं इसको, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इसको कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है और हमें
एक्चुअल पिक्चर हमें इकोनॉमी की पता किससे चलती है, रियल जीडीपी से ही पता चलती है। तो हमें पता चला कि हाँ भाई हमारा रियल जीडीपी भी बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर अगर हम 20 से कंपेयर करें। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि रोबस्ट ग्रोथ हमारी फाइनेंशियल ईयर 25 में भी हो, और हम इंक्लूसिव भी हो रहे हैं, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमारी जो मैंने आपको कई बार ही बताया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम बहुत सारे डायमेंशन से जब मेजरमेंट करते हैं यानी कि कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी के बहुत सारे फिगर को, मतलब बंदा जो है पुअर है मल्टीपल डिसएडवांटेज के कारण, क्योंकि उसका हेल्थ खराब है, उसको क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, लैक ऑफ क्लीन वाटर की प्रॉब्लम है, स्कूलिंग की प्रॉब्लम है, तो वो सारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आ जाता है। और देखा गया है कि हमारा ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज करा गया है। तो ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी है ऑप्टिमिस्टिक है 2025 के लिए भी, और एक ब्रॉड बेस और ग्रोथ देखेगी ऐसा कुछ निकल कर आया। ठीक है, अब ये कह रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक ना सिनारियो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने ना अनसर्टेनिटी बहुत देखी है, आप जानते हो कि एक तरफ रशिया यूक्रेन का क्राइसिस, एक तरफ इजराइल हमास का क्राइसिस, ठीक है, तो बहुत वॉलिटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, रेड सी क्राइसिस भी हमने देखा। तो ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रेटर स्टेबिलिटी हमने अचीव करी है 2023 वाली, और अनसर्टेनिटी के बावजूद भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है उसने अप्रैल 2024 में IMF वगैरह में मिला के कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 3.2% 2023 में रही है, जो कि मार्जिनली लोअर है 2022 के कंपैरिजन में। यहाँ बहुत सुंदर सा ना एक चार्ट दे रखा है आपको, जिसमें कि ना ग्रोथ बताई हुई है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबल इकोनॉमी की, रियल जीडीपी ग्रोथ बता रखा है, देखो 2023 में कितना था, तो मार्जिनली तो देखो रिड्यूस हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर सीपीआई इन्फ्लेशन देखो तो वो भी आपका कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर कर रहा है। अब आपको ना पता चलना चाहिए कि सीपीआई इन्फ्लेशन होता क्या है। देखो सीपीआई का पहले तो फुल फॉर्म जान लो इकोनॉमिक्स में ना, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जहाँ पर आप दो प्राइस इंडेक्स को चेक करते हो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कि सीपीआई में क्या चल रहा है। तो यानी कि किसी फैमिली का प्राइस एक्सचेंज कितना हो रहा है, अर्बन कंज्यूमर्स का कितना वो बाकेट बास्केट में खरीद रही है, ये सारा का सारा सीपीआई के अंदर आता है। अब जब जब भी हम बात कर रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो सीपीआई इन्फ्लेशन का मतलब है आप ना ओवरऑल चेंज देख रहे हो कंज्यूमर के प्राइसेस में, उसकी बास्केट में। तो सीपीआई एक बहुत बड़ा तरीका होता है इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का, पॉलिसी मेकर्स वगैरह इसी को देख के चेकआउट करते हैं कि कैसे हमें आगे इन्फ्लेशन से डील करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ ग्रोथ देखोगे वो भी आपको देख लो कैसी मिल रही है ना। तो ये सारा ना इसने बताया है कि इस तरह से FDI इनफ्लो रहा, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ये सारा कुछ इसने ना एक डायग्राम में बनाकर दिखा दिया। अभी कह रहा है इसको IMF ने डील करके बताया कि ऐसा रहेगा। तो कह रहा है कि देखो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप मानो ना मानो बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखते हो कोर इन्फ्लेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए इनको बहुत सारे ना, हमें ना पता है क्या होता है जब हम ना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानकारी हो जाती है। जैसे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब है जब आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आए, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से किसी फूड या एनर्जी सेक्टर में चेंज ना आए तो हम उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखना कोर इन्फ्लेशन बेसिकली चेंज है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर का जो चेंज होता है, यानी जो कॉस्ट है गुड्स एंड सर्विसेज की वो चेंज हो गई है एक्सक्लूडिंग द फूड एंड एनर्जी सेक्टर्स। यहाँ ये बोल रहा है कि वही जो चेंज आया है ना, परसिस्टेंट जो चेंज हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। फिर जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी मॉडरेटेड है ड्यू टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रॉस बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस, जो ग्रोथ है एडवांस इकॉनमी की वो बहुत स्लो है, ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब FDI का जो फ्लो है वो भी बहुत मॉडरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें इस बीच में नज़र आ रही है। मतलब देखो ग्लोबल इकॉनमी रजिस्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, वर्ल्ड आउटपुट एडवांस इकॉनमी वर्जिंग मार्केटिंग एंड डेवलपिंग इकॉनमीज। तो देखो यहाँ पर ना चार्ट में बता रखा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे कैसे वर्ल्ड आउटपुट के को कैसे यहाँ पर 23 में गड़बड़ हुआ, फिर अप्रैल का पार्ट जो था वो थोड़ा सा अच्छा हुआ, ऐसे ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने डेटाबेस निकाला है। अब यहाँ कह रहा है कि जितनी भी ना इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि इमर्जिंग मार्केट, इनका ना ध्यान रखना EME का मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, ठीक है, और जो AE है ना अल्टीमेटली यहाँ पर ना इन्होंने अचीव करा है ग्रोथ, अगर आप 2023 के अकॉर्डिंग देखो तो, मतलब प्री एंडमिक लेवल को तो हमने बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दिया, प्री एंडमिक प्री पैंडमिक वाला, ठीक है,
कुछ इकोनॉमी जो है, जैसे इंडिया चाइना, दोनों में जीडीपी लेवल उनका अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो अच्छा है। अब यहाँ पे ना एक बड़ी बात कह रहा है, देखो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंट्रीज की ना बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत डिफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबके ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल इशूज अलग अलग है, ठीक है, अनइवन एक्सपोजर है जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्स का, और ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मॉनिटरी टाइट पॉलिसी टाइटनिंग का। इकोनॉमिक शॉक क्यों लग रहा है? क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से सबड्यूड ग्रोथ है कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड फ्रांस। यूएस पे बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, बहुत से ज़्यादा इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई हो रखी है, जिसकी वजह से ना वो कॉन्सिक्वेंटली क्या कर रहे हैं, अपने पॉलिसी रेट को कुछ ना कुछ उसमें चेंज करते रहते हैं। अब बात करोगे आप पास थ्रू टू आउटस्टैंडिंग हाउस होल्ड मॉर्गेजेस, वो बहुत लिमिटेड हो चुकी हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना इम्पैक्ट आपके पूरे हायर पॉलिसी रेट पे पूरी इकॉनमी पे पड़ रहा है। अब कह रहा है कि इतना सारा असर होगा तो इंडिया पे असर नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। तो इंडिया ने ना स्टीप डिक्लाइन दे देखा इकोनॉमिक ग्रोथ में पैंडमिक के टाइम पे, बट हम बहुत स्विफ्टली ना रिकवर कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रांग प्राइवेट कंजम्पशन था और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की वजह से हम कर पाए। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई इंडिया ने कैसे पैंडेमिक से लीड करते हुए इंडिया कैसे बचा? तो आप बताओ कि इंडिया में दो चीज़ें हुई, स्ट्रांग प्राइवेट कंजम्पशन हुई है और गवर्नमेंट के कुछ ऐसे रोल्स आए जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करा है। चाइना ने क्या करा? चाइना ने स्लाइट मॉडरेशन देखी ग्रोथ में पैंडेमिक के टाइम पर, स्विफ्टली पॉलिसी एक्शन लेने के बाद, हाई वैक्सीनेशन रेट के बाद तो ग्रोथ स्लो थी। सब्सिक्वेंटली स्ट्रक्चरल इशूज़ की वजह से जापान में भी देखो पोस्ट पैंडमिक में बहुत सारी ग्रोथ आई है, बाद में एक्सपेक्टेड था कि इम्प्रूव होगी, तो मतलब ड्राइवन बाय वीक एंड इम्प्रूव कंज्यूमर स्पेंडिंग करके उन्होंने अपने आप को ठीक करा। अब यहाँ पे ना जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं हैव सरपास प्री पैंडमिक जीडीपी लेवल्स। जैसे देखो ब्राज़ील का है तो रेशियो ऑफ जीडीपी उसकी कितनी हो गई करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ दिस, है ना, तो उसने सारे ईयर्स का कॉरस्पॉन्डिंग लेवल बता रखा है कि रहा इंडिया जो है वो फिफ्थ नंबर पर है, 120 इंडिया का रेशियो ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो ऐसे ही ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ठीक है, तो तब देखो हम लोग कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट है जिसमें कि पूरा डेटा आपको दे रखा है कि कितनी सारी मेजर इकोनॉमीज हैं जिन्होंने प्री पैंडमिक जीडीपी लेवल को सरपास कर दिया है, ठीक है, तो उसमें 5वें नंबर पर इंडिया भी है। अब अपार्ट फ्रॉम जीडीपी एस्टिमेट, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारी इकॉनमी के परफॉर्मेंस को बताते हैं, देखो एक तो हमें जीडीपी के एस्टिमेशन से पता चल जाता है हमारी इकॉनमी की परफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि एक होता है प्राइस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जेपी मॉर्गन का ये रिपोर्ट होती है, इससे भी हमें पता चलता है कि आपका कैसा रहा, क्विकर एक्सपेंशन हो रही है या नहीं हो रही है। अब आपको मैं बताती हूँ कि जो परचेजिंग मैनेजर रिपोर्ट होती है इसको क्या करते हैं, या इससे हम परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से हम क्या निकालते हैं। देखो ये ना सारे इंडिकेटर्स ही हैं, बेसिकली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ये ना प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का मंथली बेसिकली सर्वे करते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या देखते हो, इंडिविजुअल ने कितने मटेरियल्स को कंपनी से खरीदा, कितना मैन्युफैक्चर हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। आप परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स निकालता तो होना है, यूएस बेस्ड सप्लाई मैनेजमेंट कंपनी है, जेपी मॉर्गन ग्लोबल कंपोजिट रिपोर्ट निकालते हैं। अब अगर ना पीएमआई हाई है, मान लो इसमें भी ना स्कोर्स होते हैं, अगर आपका पीएमआई 50 से ज़्यादा का है तो देन इट इंडिकेट्स कि इकोनॉमिक में एक्सपेंशन है, दिस मीन्स दैट द क्लोज रीडिंग टू 100, मतलब हायर द डिग्री पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है। जितना पीएमआई कम होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर दिखेगा, ठीक है। तो परचेजिंग इंडेक्स समझ आया आपको? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, ये एक इंडिकेटर है जो आपके प्रिवेलिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बताता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, ठीक है। इसको कंपाइल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सप्लाई मैनेजमेंट होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करती है, ठीक है। ध्यान रखना इसका काम क्या है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। पीएमआई से आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल क्या चल रही है इन द यूएस वो भी समझ में पता पड़ जाता है। अब देखा ग्लोबल पीएमआई यहाँ बता रहा है कि ना कोरोबोरेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटस, ठीक है, मोमेंटम। अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म आया जिसको हमें समझना चाहिए, कोरोबोरेट्स क्या होता है। कोरोबोरेट्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए ना आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी जिससे कि नए नए कुछ एविडेंस निकल कर आ रहे हैं, मतलब नए प्रमाण आ रहे हैं, है ना, किसी किसी चीज़ के थ्रू। तो पीएमआई ग्लोबल पीएमआई से भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखो इंडिकेट करते हैं कि वे हायर लेवल तक ही लेके जा रहे हैं। अप्रैल 22 से उठाया है, अप्रैल मई 24 तक का डेटा है, तो पीएमआई भी यानी कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि पीएमआई बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को दिखाता है। तो कह रहे हैं दोनों ही सेक्टर्स में हमें बढ़ोतरी देखने को ही मिल रही है अगर हम ग्लोबली चेक करते हैं तो। अब यहाँ कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट उठा रहा है कि देखो रेड सी क्राइसिस डेफिनेटली है। अब रेड सी क्राइसिस होगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन होंगी मिडल ईस्ट एरिया में, अक्टूबर 2023 में थी। अब इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया, ठीक है, ग्लोबल
ट्रेड पे उसका असर पड़ना ही था। कमर्शियल शिपिंग पे अटैक हुआ रेड सी में, तो वहां पे ग्लोबल का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो बढ़ गई। फिर हमें कार्गो को रीरूट करना पड़ा, है ना, कोई और रूट से निकालना पड़ा। इस सबसे क्या हुआ, सारा एस्केलेट होके पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट था उससे बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल रिस्क बन गई, जिसकी वजह से हमने क्या देखा कि प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ गया चीजों पर। चीजें महंगी इसीलिए तो होंगी ना, फिर जियोपॉलिटिकल ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स दिखा रहा है यहाँ पर आपको ये। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ना जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं जैसे सप्लाई चेन क्या करती है, प्रेशर ईज करती है एनर्जी। तो सप्लाई चेन का जो प्रेशर ईज होगा, एनर्जी का प्राइसेस अगर ईज होगा, प्राइस में शॉक कम लगेगा, तो फिर इकोनॉमी ठीक होगी। और अगर नहीं लगता, प्राइस शॉक लगता ही जा रहा है, क्योंकि देखो रशियन कॉन्फ्लिक्ट अभी, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कह रहा है कि कंट्रीज की डिक्लाइन हो गई है। कैसे हो रही है, या हेडलाइन इन्फ्लेशन होती क्या है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आपको समझ जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ के। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कितना है, मतलब आपके बास्केट ऑफ गुड्स में कितना इन्फ्लेशन है, फूड में, एनर्जी में। और ये कोर इन्फ्लेशन से अलग होता है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में आप फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को कैलकुलेट नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हो, आपकी इकोनॉमी में टोटल इन्फ्लेशन कितना है। बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या बताती है, आपके टोटल इन्फ्लेशन को बताती है। इसमें ये गुड सर्विसेज सबको लेता चलता है, फूड एनर्जी सबको लेके चलेगा, ठीक है। तो हमें दोनों को याद रखना है, कोर इन्फ्लेशन होती है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। अब यहाँ बताया कि देखो जी सप्लाई चेन का प्रेशर जैसे जैसे ईज हो रहा है, एनर्जी प्राइस फूड शॉक्स ट्रिगर्ड बाय वो ट्रिगर करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा फेड आउट हो रहे हैं, उसकी वजह से देखने को मिला कई कंट्रीज का हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, मतलब टोटल इन्फ्लेशन उनका कम हो रहा है। अब 2022 में तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ही था, बाद में डिक्लाइन हुआ 2023 तक आते आते। अब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इज स्टिल अबव, हालांकि देखो अभी भी टारगेट से बहुत सारी कंट्रीज में अबव ही है। तो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, 2023 में हमें सप्लाई चेन प्रेशर हमारा ईज हुआ ना, उसकी वजह से गुड इन्फ्लेशन का जो हो रहा था वो कम हुआ, हमारे लॉजिस्टिक चैलेंजेस कम हुए। तो कोर इन्फ्लेशन वगैरह से हमें खारा पूरी मार्केट के बारे में पता चल जाता है कि ओवरऑल क्या चल रहा है। यहाँ पर से बड़े अच्छे डायग्राम से बता रखा है कि देखो डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर अक्रॉस कंट्रीज, कि कैसे कैसे कम हो रहा है, वर्ल्ड का, एई का, एएमडीज का। तो पॉलिसी रेट यहाँ पर पूरा बता रहा है कि देखो चाइना में, यूके, इंडिया के अंदर ये सारा पॉलिसी रेट पहले कितने हायर थे, फिर कैसे कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी कि ये होती जा रही हैं। अब यहाँ कह रहा है कि ना मॉडरेशन इन द ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इंडाइसिस के बारे में, यहाँ पे ना इसने ना ये सारे उठाए, ग्लोबल कमोडिटी उठाई, एनर्जी, ऑयल, मिल्क, ग्रेन, फर्टिलाइजर, मेटल, मिल्क। कह रहा देखो 2021 के अंदर एनर्जी का पहले कितना था, 22 में ना 23 में, कह रहा देखो आप इसमें पूरा चेक कर रहे हो, मॉडरेशन ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस इंडेक्सेस में मॉडरेशन हुआ है। पहले बहुत कम था, फिर एकदम से बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर उससे भी कम हुआ, समझ रहे हो। एनर्जी में ऑयल एंड मील्स का चेक करोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मतलब हर किसी में यहाँ पर आप देख रहे हो कम ही होता जा रहा है, यानी कि ग्लोबल कमोडिटी का जो प्राइस इंडेक्सेस है वो मॉडरेट हुआ है, ठीक है। एकदम से उस पर नहीं आया, बट मॉडरेशन में आया है, ठीक है। ये एक बात हो गई, वर्ल्ड बैंक की शीट निकाली है। अभी क्या है कि देखो कोर इन्फ्लेशन ना, क्योंकि परसिस्टेंस वे में है, परसिस्टेंस जो कोर इन्फ्लेशन का है वो प्रॉम्प्टेड मैनी सेंट्रल बैंक टू मेंटेन पॉलिसी रेट्स, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम फूड एंड एनर्जी को हटा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कोर इन्फ्लेशन है। तो उसके लिए हमने सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, पॉलिसी वगैरह को चेंज करता रहता है, एक्सेप्ट इन चाइना, जहाँ पे गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस करती है कि रिवाइव करते जाओ जितनी भी ट्रबल्स आ रही हैं रियल सेक्टर वगैरह में लेकर। बहुत सारे देखो सेंट्रल बैंक्स को ये हिंट मिला हुआ था एट द पीकिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है, तो वो हमने करा। दूसरा यहाँ पर ये कह रहा है जो यूरोपियन का सेंट्रल बैंक है ना, वो पहला ऐसा मेजर सेंट्रल बैंक है जिसने ना अपने पॉलिसी रेट को कट किया। अब करा, इन्वोक किया फर्स्ट रेट कट इन नियरली 5 ईयर्स। तो जितना ईसीबी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, उसने जब बेंचमार्क डिपॉजिट रेट को लोअर किया बाय अ क्वार्टर परसेंटेज जून 2024 के अंदर, एक तो ये काम हुआ। फिर कह रहा फेडरल ओपन मार्केट कमेटी जो है, पार्टिसिपेंट जो उसके होते हैं, वहाँ पर भी रेट कट मिला। तो रेट कट होने से हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड लेबर मार्केट डेटा, और परसिस्टेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तक इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ा हुआ है, इसकी वजह से फेडरल रिजर्व जो है वो लोअर रेट्स करने में रिलक्टेंट है, मतलब करना ही पड़ रहा है उनको। फिर यहाँ ये कह रहा है देखो इससे पता क्या चलता है कि हमारा ना अब भी, अगर आप इन्वर्जन देखो, यूएस यील्ड कर्व देखो, और फाइनेंशियल कंडीशन इव हैव ईज्ड इन यूएस और नॉट, ये सारा इंडेक्स लेके बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि देखो फेडरल रिजर्व बैंक सेंट लुइस का ये अपना डेटा बता रहा है कि कैसे बॉन्ड यील्ड हमारा कहाँ पे कम, कहाँ नेगेटिव, कहाँ ज़्यादा जा रहा है, ये फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ शिकागो है। तो इन्होंने अपने दोनों को इंडेक्सेस को कंपेयर करा हुआ है। तो देखो फिस्कल फ्रंट पे ना
जो हमारा ग्लोबल जनरल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमारा बड़ा है अगर आप कंपेयर करोगे उसको। तो इससे क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन तो हो रहा ही है, हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है, क्योंकि अगर फूड आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है इसका मतलब रेवेन्यू कम हो रहा है। तो कहाँ से कम हो रहा है कि भाई देखो रेवेन्यू जो इन्फ्लेशन और की वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कमोडिटी वगैरह उसमें बहुत बढ़ गया है, तो फिस्कल की वजह से देखो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की वजह से कंट्रीज पे क्या क्या असर पड़ रहा है, ये सारा इसने यहाँ पे डेटा देके हमें बता दिया है। अभी कह रहा है कि डिस्पाइट, हालांकि देखो ग्लोबल ग्रोथ तो हमारी स्ट्रांग है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का डेटा कहता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, वो बहुत मॉडेस्ट हुआ है अगर आप कंपेयर करते हो तो स्लो ग्रोथ है आपकी, लोअर डिमांड है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, और आपका जो ना ट्रेड है ईस्ट एशिया लैटिन अमेरिका का ये बहुत वीक हुआ है, एनर्जी के प्राइस बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, जिसकी वजह से वर्ल्ड मर्केंडाइज का ट्रेड वॉल्यूम आपका डिक्लाइन हुआ है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट जो सर्विस ट्रेड में है वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे ऑफ आपका ऑफ बीट हो रहा है कि यहाँ देखो यहाँ पे कह रहा है कि रिकरिंग डिसरप्शन की वजह से, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस की वजह से और सप्लाई चेन रेजिलियंस की वजह से बेसिकली स्लो डाउन आ गया इकॉनमी में। ठीक है, फिर तो कंसर्न बेसिकली क्या है, देखो कंसर्न हमारे पास यही है, जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा है, बोरोइंग की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रैक्चरिंग हो रही है जिसकी वजह से एफडीआई का फ्लो बहुत वीक हो रहा है, आप मानोगे एफडीआई का जो फ्लो है वो डिक्लाइन कर रहा है 2023 में। तो ये सब है, अब देखो ये सारा वीकेंड हुआ है, देखो हमारा एफडीआई का इनफ्लो हमारा वीकेंड हुआ है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कम हुआ है कहाँ ज्यादा हुआ है। अभी कह रहे हैं रिजिलियंट डोमेस्टिक इकॉनमी की तरफ अगर हम देखते हैं, कह रहे हैं देखो इंडिया की इकॉनमी की अगर बात करते हो फाइनेंशियल ईयर 23-24 को अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो दोनों में हमने ग्लोबल एक्सटर्नल चैलेंजेस को देखा है, तो हमने हालांकि अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर किया, चैलेंजेस को डील करा कि हम पर इंडियन इकॉनमी पे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट कम पड़े, तो एज अ रिजल्ट हमारा जो रियल जीडीपी है वो 8.2% था फाइनेंशियल ईयर 24 तक बढ़ा, और हमने थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में हम 7% तक भी गए हैं। तो सप्लाई साइड में देखोगे तो ग्रोस वैल्यू जो हमारा एडेड है ये सब भी हमारा इंक्रीज कर रहा है लाइक। तो अब यहाँ देखो एक होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये सब आपने अगर नेशनल इनकम पढ़ा है ना चैप्टर मैक्रो इकोनॉमी का क्लास 12th का टॉपिक है तो ये आपको पता होगा ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब बेसिकली किसी भी इकॉनमी के लिए होता है कि आपने एक पर्टिकुलर ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, मतलब प्रोड्यूसर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो व्हेन दे सेल देयर वेरियस तो प्रोड्यूसर इनकम शुड बी मोर देन देयर कॉस्ट, समझ रहे हो। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम उसका बेसिकली कॉस्ट निकालते हैं कि रॉ मटेरियल में कितना पैसा लगा, इलेक्ट्रिसिटी, सारा कुछ निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वो हमारा सब राइज कर रहा है। तो यहाँ पे ना इसने बड़ा अच्छा सुंदर डायग्राम बनाया, कह रहा है देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को देख लेते हैं। मैंने आपको अभी रियल जीडीपी समझा दिया था मैंने आपको, लेकिन नॉमिनल जीडीपी अभी नहीं समझाया था। देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है आपका टोटल मार्केट वैल्यू जो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की है वो एक गिवन ईयर में कितनी है, यू वॉन्ट कंपेयर इट विद दी, और आप इसमें ना ही इन्फ्लेशन देखते हो ना ही डिफ्लेशन देखते हो, आप सीधा इसकी करंट वैल्यू बता देते हो कि देखो जी ये है, समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, रियल जीडीपी में आप इन्फ्लेशन वगैरह सबको कंसिडर करके आप रियल जीडीपी निकालते हो, नॉमिनल जीडीपी को आप करंट मार्केट प्राइसेस पे ही कैलकुलेट कर लेते हो। तो अब यहाँ कह रहा है कि देखो जो आपका नॉमिनल जीडीपी है वो देखो इसका कंपैरिजन करो आप, अल्टीमेटली ये बढ़ता ही चला गया है ना, बीच में एक स्लाइटली कम हुआ फिर बढ़ा, लेकिन रियल जीडीपी में देखो आप मामला थोड़ा सा अलग है, रियल जीडीपी में मामला बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है उसको हम देखते हैं, देखो रियल जीडीपी में मामला इसलिए अलग है क्योंकि ये आपका रियल ग्रोथ बता रहा होता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो अब तक फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका भी इंक्रीमेंट देखने को मिला जो कि हमने डिस्कस किया अभी। इस निकालता कौन है, देखो ये रिपोर्ट निकाला है एनोलैन ने, आपका क्वार्टरली एस्टिमेट है जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, नेशनल अकाउंट डेटा के तहत ये रिपोर्ट आई है। अब जो एग्रीकल्चर का हम ना अब हम देखते हैं कि हमारा ना बेसिक क्या क्या चीज़ें हमारी चेंज हुई है, देखो एग्रीकल्चर का जो शेयर है, इंडस्ट्री का शेयर है, सर्विस सेक्टर का है, ये सारा चीज़ें ही हमारी ओवरऑल जीवीए को करंट प्राइसेस में दिखाते हैं। देखो एग्रीकल्चर का शेयर याद रखना 17.7% है, इंडस्ट्री का 27.6% है, सर्विस सेक्टर का 54.7% है, तो जीवीए एग्रीकल्चर का कंटिन्यू हमारा ग्रो हो रहा है लेकिन स्लोअर पेस पे, क्योंकि वेदर पैटर्न बहुत इरेटिक है, अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, मानसून का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर इसने मैपिंग भी करके बड़ा सुंदर सा डायग्राम बना के इसने दिखा दिया कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। तो देखो बढ़ तो रहा है लेकिन स्लो पेस पे बढ़ रहा है।
और क्या है, इंडस्ट्री का बढ़ रहा है पूरा, सर्विस का अल्टीमेटली भी डिक्लाइन है, लेकिन इंडस्ट्री हम देख रहे हैं ज़्यादा बढ़ रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन और आपका गवर्नमेंट आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सारा एक्सपोर्ट का ही सारा का सारा इन्होंने पूरा क्वांटिटी करके बता दिया है कि देखो प्राइवेट कंजम्पशन स्टेडी है एज इन्वेस्टमेंट ड्राइव्स ग्रोथ। तो प्राइवेट कंजम्पशन आपको इसीलिए स्टेडी दिख रहा है, फिक्स दिख रहा है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप जाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग जो जीवीए है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे बेनिफिट मिलता है, इनपुट प्राइस कम हो जाए, है ना, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती चली जाए, इनपुट प्राइस आपका जो है वो उसको डेफिनेटली डेफिनेटली उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन से भी मिलता है। अब यहाँ एक टर्म आ गया WPO इन्फ्लेशन। तो आपको ना WPO इन्फ्लेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या होती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन में क्या करते हो आप? देखो इसमें ना हम ना बेसिकली प्रोड्यूसर ओवर अ टाइम कितने प्राइस चेंज कर रहा है उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। यानी कि आपका एक मेजरमेंट है इन्फ्लेशन का बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर दे रीच टू कंज्यूमर। कंज्यूमर से पहुंचने से पहले आपका कितना प्रोड्यूसर उसका प्राइस रख रहा है, उसका कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको हम WPI इन्फ्लेशन कहते हैं, विच लीड टू डिफ्लेटर -1.7%। तो मैन्युफैक्चरर ऑल्सो पास्ड ऑन द रिडक्शन इन इनपुट प्राइसेस टू कंज्यूमर्स। अब इससे सस्टेन डिक्लाइन हुआ कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, इन्फ्लेशन हो गया। फिर कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एक चीज पे हमें नजर आया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है जब HSBC इंडिया का PMI मैन्युफैक्चरिंग निकला ना, तो वहां पे उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 से अबव थी। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया ही था कि जब भी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 से ऊपर जाएगा तो वह इकॉनमी की स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन की बात ही करेगा। यहाँ से पता चला कि हाँ भाई इकोनॉमी का जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक्सपेंड और स्टेबल हो रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है देखो सर्विस सेक्टर की बात करोगे तो हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करते हैं कि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, क्योंकि GST कलेक्शन हो गया आराम से, ई वे बिल्स आपने इशू कर दिए, आपके होलसेल रिटेल ट्रेड अच्छा रहा, आपने डबल डिजिट ग्रोथ देखी, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज बहुत बड़ा ड्राइविंग है, उसके बाद से कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज शुरू हो गई, ट्रेड ट्रांसपोर्ट रियल इस्टेट है ना, और सारी इससे जुड़ी सेवाएं शुरू हो गई, तो इसमें भी अच्छा हुआ। फिर टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से भी सर्विस डिलीवरी बड़ी आसानी से हुई, तो सर्विस सेक्टर में इसीलिए बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रहा। तो आपको तीनों सेक्टर समझाना है जीवी है कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हुआ, सर्विस सेक्टर में क्या हुआ। अब देखो डिमांड साइड पे ही आपका प्राइवेट कंजम्पशन क्यों अच्छा रहा, क्योंकि प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन जो है वो 4% बड़ा है रियल टर्म्स में। अर्बन डिमांड कंडीशन स्ट्रांग है क्योंकि अर्बन कंजम्पशन बहुत अच्छा है, लोग डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल बहुत अच्छी है, एयर पैसेंजर का ट्रैफिक अच्छा है। कह रहा है इस वजह से पता चला कि जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। तो यानी कि देखो थ्री व्हीलर पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर्स, इसमें देखो ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई है कि लोग ले रहे हैं, मतलब उनको है, तो इसी वजह से हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब कहता है हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे, जो कि बहुत बड़ा ड्राइविंग है, जो हमें क्या बताता है कि राइज हुआ है इसका शेयर ऑफ नॉमिनल GDP। इंडिया इज इन द मिडस्ट ऑफ प्राइवेट कैपेक्स अपसाइकिल। तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि GFCF बाय प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ये भी हमारा इंक्रीज हुआ है, और ये बहुत अर्ली साइन है कि हमारा जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी सस्टेन कर जाएगा और प्राइवेट कंजम्पशन हमारी इसकी वजह से अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप फिर भी इस शब्द को समझो कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक आप सर्वे पढ़ रहे हो तो इसका फायदा भी तभी होता है जब आपको एक एक चीज़ के बारे में पता हो। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बताता क्या है, किस तरह का कॉम्पोनेंट है? देखो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हो प्लांट मशीनरी परचेजिंग में, रेलवे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये सारा कुछ क्या होता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि अगर आप इसका देखो कि आपका एडिशन क्या हो रहा है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि एडिशन टू द फिक्स असेट ऑफ द इकॉनमी, फिक्स असेट ऑफ द इकॉनमी। अगर फिक्स असेट इकॉनमी का बढ़ रहा है तो वही आपका आता है ये, ठीक है, और नेट चेंजेस जो भी आपके हो रहे हैं वो सारा, तो ये होता है आपका GFCE, ठीक है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देख रहे हैं देखो गवर्नमेंट का अच्छा खासा यहाँ पर प्राइवेट कॉर्पोरेट एक्सपेंस भी हुआ है। अब अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो हाउस होल्ड है ना वो कैपिटल फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। कह रहा कैसे? कह रहे हैं वो ना हाउसिंग सेल कर रहे हैं सिटी में, मान लो, वो भी बहुत इंप्रेसिव है। अर्बन हाउस होल्ड बहुत डाइवर्सिफाई है, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनकी सेविंग वगैरह है। रेजिडेंशियल रियल इस्टेट सेल इंडिया में वन एट द हाइएस्ट सिंस 2013। सोचो आप, रियल इस्टेट मतलब बहुत मकान वकान खूब बेचे जा रहे हैं। इसकी वजह से भी हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ साथ हाउस होल्ड में भी काफ़ी बढ़ रहा है। अब क्या है कि ना देखो
क्योंकि बैलेंस शीट बड़ी क्लीन है, उसके बाद कैपिटल बफर एडिक्वेट आ रहा है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो भी सेक्टर है ना वो बहुत सही जगह पर है, अपनी फाइनेंसिंग नीड्स को, इन्वेस्टमेंट डिमांड को अच्छा कर रहे हैं। तो क्रेडिट डिस्बर्सल बाय स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सबकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती जा रही है। इन सारी की ग्रोथ हमने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखो इंक्रीज हाउस होल्ड सेविंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एसेट्स। देखो फिजिकल एसेट्स की फॉर्म में कितना इंक्रीज हुआ, तो देखो किसी भी जगह पर अगर ना फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी हो रही है, यानी कि जो फिक्स असेट है उसकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द इकॉनमी। ठीक है, फिर यहाँ पर हाउसिंग सेल की बात कर रहा है कि टॉप 10, 8 सिटीज का हमने देखा, तो वहां पर उसका रिकॉर्ड भी अच्छा नजर आ रहा है। इसकी वजह से हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अभी कह रहा है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ की बात देखो, तो मार्जिनल डिक्लाइन आपको मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की ग्रोथ में मिलेगा। मर्केंडाइज इम्पोर्ट स्लो क्यों है, क्योंकि एक्सपोर्ट और जो आपका सर्विस ट्रेड है ना वहाँ पे ज़्यादा वो आ रहा है, अगर आप कंपेरिजन करते हो तो ड्रैग एक्सर्टेड बाय नेट एक्सपोर्ट ऑन GDP रिड्यूस हुआ है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का वॉज मोर देन काउंटर बैलेंस बाय द पिकअप ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधा जो हमारे इम्पोर्टेंट हारा है, ये सारे चार्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हो कितना पैंडमिक डिस्कस करोगे। अब हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेफ गार्ड ग्रोथ पे देखते हैं हमने क्या क्या करा। देखो फॉर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 23 में मल्टीपल चैलेंजेस थे, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट विद यूरोप रहा हो क्योंकि वहाँ पर डोमेस्टिक प्राइस प्रेशर था, करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब आपको समझ आना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे तो इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा। लेकिन सवाल ये है भाई साहब कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि आप किसी की कंट्री की मेजरमेंट कर रहे हो, वहां के वैल्यू निकाल रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, इट इम्पोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इट प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट, यानी कि आपका इम्पोर्ट ज्यादा हो गया है, एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो, उस सिचुएशन में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमारा ये समस्या है, मल्टीपल चैलेंजेस में थे हम। सेंट्रल बैंक ने क्या करा, हमारे पॉलिसी रेट्स को बढ़ा दिया ताकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर से हम टैकल कर पाए। ये सब हमने अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करा। फिर ये कह रहा है कि इम्प्रूव कैसे करें पब्लिक फाइनेंसिस को, तो कंसोलिडेशन यूनियन गवर्नमेंट का कुछ रहा। ग्लोबल ट्रेंड जो वाइडनिंग है, देखो आप देख रहे हो फिस्कल डेफिसिट वाइडन हो रहा है, डेट बर्डन बढ़ता जा रहा है, इंडिया अपने कोर्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन में है। अब ये शब्द भी पता होना चाहिए आपको, फिस्कल डेफिसिट तो समझते हो ना, बोरोइंग। अब यहाँ एक शब्द आता है फिस्कल कंसोलिडेशन, तो फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब समझते हो कि गवर्नमेंट का ये एफर्ट होना कि वो बजट डेफिसिट को कम करे और डेट लेवल्स को स्टेबलाइज करे, यानी कॉम्बिनेशन बनाए, टैक्सेस रेवेन्यू को बढ़ा दे और अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे ताकि वो एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल पोजीशंस पर आ जाए। अब फिस्कल डेफिसिट यूनियन गवर्नमेंट का देखो कम तो हुआ, अगर आप देखो 6.4% ऑफ GDP इन फाइनेंशियल ईयर 2023, अभी 24 में 5.6% है, तो हमारा जो FD है वो आपका कम होकर 5.6% पर आया है। समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल एक्चुअल्स डेटा रिलीज बाय ऑफिसर ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऑन अकाउंट ऑफ रिजिलियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इसके कंप्लाइंसिस वगैरह क्योंकि बहुत बड़े हैं, तो हायर देन बजटेड नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द RBI पड़ा है। तो कॉम्बिनेशन जो हमारा रिस्ट्रेन किया ना हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बायोड रेवेन्यू शॉर्ट लोअर डेफिसिट, उसी से ही हम सारी चीज़ें ये कर पाए हैं। तो मतलब उसे सजेशन भी दिया, देखो ऐसे हम कर पा रहे हैं। हमारा ये देखो प्राइमरी डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, इनकी सिचुएशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है देखो फाइनेंशियल ईयर 24 तक आते आते जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो 5.6 हुआ, विच वी हैव जस्ट डिस्कस, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा 2.6 हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट हमारा 2.0 हुआ है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब सवाल ये करो कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखो रेवेन्यू में डेफिसिट आने का मतलब साफ है कि गवर्नमेंट की फंडिंग में शॉर्टेज आना, ताकि आप देखो इतनी फंडिंग में शॉर्टेज आ जाए कि आप डेली के अफेयर्स को ही मेंटेन ना कर पाओ, तो समझ जाओ कि ये हो गया है रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक इसमें सवाल आता है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है FD माइनस योर इंटरेस्ट पेमेंट्स, उसको हम ये कह देते हैं। अभी ये क्या करता है, ये बताता क्या है, ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को कितने बोरोइंग की जरूरत है अदर देन इंटरेस्ट पे करने के। एक तो इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको पैसा चाहिए, एक और बोरोइंग ताकि आप अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर पाओ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट वो कितना कितना आया है। अब ये कह रहा है कि बायोन्सी भी कुछ थी क्या रेवेन्यू में, तो देखो सिग्निफिकेंट फिस्कल कंसोलिडेशन जो हमने पोस्ट पैंडमिक के बाद करा है उसमें बायोन रेवेन्यू बिल्कुल हुए हैं।
हमारे पास रेवेन्यू रिसीट जो थी वो डेफिनेटली बढ़ी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज भी हुआ है हमारा कहीं कहीं जगह पर। अब आपको पता होना चाहिए कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। देखो टैक्स रेवेन्यू तो आप समझते हो ना, जैसे आप जो भी डायरेक्ट टैक्स वगैरह लेते हो वो तो आपका वैसे है ना, समझते हो ऐसे डायरेक्ट टैक्स ले रहे हो आप, इनकम टैक्स भरते हो ना, इनकम दैट इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेशन, उसको हम क्या कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब है ऐसी इनकम जो टैक्स के अपार्ट ली जाए, मतलब टैक्स के अलावा भी, जैसे पैसा आ जाए, मान लो जैसे डिविडेंड आ जाए, जैसे डिविडेंड आ जाए किसी PSU का, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का आ जाए, या फीस आप ले लेते हो, अर्निंग किसी सर्विसेज के थ्रू कर लेते हो, तो हम उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। यानी देखो रोबस्ट ग्रोथ दोनों में हुई है। आपने देखो बताओगे भी आप कैसे रोबस्ट ग्रोथ हुई है, आप इस चार्ट के थ्रू बताओगे। कह रहा देखो फाइनेंशियल ईयर 2020 का उठाओ, फाइनेंशियल ईयर 24 उठाओ, आपको इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू दोनों ही बढ़े हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आपने बता दिया रेवेन्यू रिसीट यानी कि बढ़ी आई है, तो रेवेन्यू रिसीट बढ़ के आई है इसका मतलब आप कुछ तो रेवेन्यू कलेक्ट कर ही रहे हो, ये आपने इसे दिखा दिया। अब ये कह रहा है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ये कैसे बढ़ा, कह रहा है ये इससे बढ़ा क्योंकि हमारा टैक्स रेवेन्यू बायोन्सी बढ़ गया। अब आपको शब्द ये पता होने चाहिए कि टैक्स रेवेन्यू बायोन्सी क्या होता है, तो मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि टैक्स रेवेन्यू बायोन्सी या टैक्स बायोन्सी किसे कहते हैं। देखो ये आपको ना टर्म्स की बिल्कुल जानकारी होनी ही चाहिए। टैक्स बायोन्सी का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन किसका, कंट्री के टैक्स रेवेन्यू में कितना चेंज आया और कंट्री के GDP में कितना चेंज आया, मतलब ये दिखाती है हाउ रिस्पॉन्सिव द ग्रोथ ऑफ टैक्स रेवेन्यू इज टू चेंज द GDP, यानी कितना कितना चेंजेस यहाँ पर देखने को मिला है। बेसिकली बात समझ रहे हो आप मेरी, यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पर टैक्स बायोन्सी में ये देखते हैं। मैं फॉर्मूला भी बता देती हूँ आपको टैक्स बायोन्सी का कि चेंज इन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन GDP, इससे हमारा पता चल जाता है कि हमारा टैक्स बायोन्सी कितना आया है। तो टैक्स बायोन्सी बहुत अच्छा तरीका है ये असेस करने का कि टैक्स पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टैक्स बायोन्सी और बड़ा अच्छा इकोनॉमिक मेजरमेंट है। आपको पता चल जाता है कि कैसा रिस्पॉन्स है अंडरलाइंग इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि एफिशिएंसी तो है टैक्स कलेक्शन करने की, ओवर द टाइम हमारा अच्छा ही रहा है, हमने यहाँ से पता लगा लिया। देखो जी इंक्रीमेंट ही दिखने को मिला है हमें तो, है ना, GST से, कॉरपोरेशन टैक्स से। अब सवाल पता क्या आता है, सवाल ये आता है पूछेगा आपसे पेपर में 2024 में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कॉरपोरेशन टैक्स से हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ, तो आपको क्या बताना है इसमें। तो आप सबसे ज़्यादा बताओगे, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिख रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद भले ही फिर आपका कह लो कि ये कॉर्पोरेशन टैक्स GST टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन इनकम पर इनकम टैक्स ज़्यादा मिल रहा है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स GST बराबर जैसा सही लग रहा है, और आपका कस्टम एक्साइज ड्यूटी आफ्टर दैट, ये आपको पता होना चाहिए। अब इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स का भी बड़ा है भाई, 12.7% ग्रोथ है GST कलेक्शन का। ई वे बिल वगैरह हम बहुत आसानी से ले पा रहे हैं, इंट्रा ट्रेड इंटरस्टेड अच्छा चल रहा है हमारा, GST कलेक्शन भी हमारा अच्छा है। तो लास्ट 7 ईयर्स में GST हमारा बहुत मैच्योर, सिग्निफिकेंटली हमारा बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारी टैक्स बायोन्सी बढ़ गई है, इसमें यही मुझे बताना था। नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखना, विद इन नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो हमने अनाउंस किया था ना, वो भी बहुत गेनिंग अट्रैक्शन कर रहा है। अब समझो स्कीम आ गई ना, जैसे ही कुछ ऐसा आ जाए आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या होता है। देखो इस पे ना क्या कहा था कि 6 लाख करोड़ रुपए इस पे लगाए जाएंगे, लीज किया जाएगा कोर असेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेक्टर है, रोड है, रेलवे है, पावर है, इसके लिए। अब नेशनल पाइपलाइन मिशन है क्या, इसका काम है कि हम वर्ल्ड का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कंट्री में बनाएंगे ताकि हमारे लोगों के घरों की क्वालिटी, ओवरऑल लाइफ लोगों की सुधरे। इस पे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का यही काम है, यानी कि रोड को हम ठीक करेंगे, कोल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और मजबूत करेंगे। तो याद रखना फिनेंस सेक्टर में नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम बेसिकली करने की कोशिश ये की जा रही है कि डायरेक्शन मिल जाए मोनेटाइज करने का, इनिशिएटिव मिल जाए, विजिबिलिटी इन्वेस्टर्स को मिल जाए। आपका ये हमारा प्लान है, बेसिकली हमारा एम यही है कि हम नई नई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर आए। अब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का हम ट्रेंड देख लेते हैं। देखो हम भाई फिस्कल कंसोलिडेशन तो हम करने की सोच ही रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूसली हमारा टारगेट है कि वल्नरेबल सेक्शन, हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे पैसा लगाएं, ये सब हमारा चल रहा है और देखो हम उस पर काम भी कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज हमने कर दिया है।
इवन कैपेक्स हैज लिफ्टेड द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपको पता होना चाहिए कैपेक्स क्या है, क्योंकि देखो इकोनॉमी बिल्कुल भी टफ नहीं है, बट आपको ना इसके शब्दों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कैपेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली फंड है जो कंपनी यूज करती है एक्वायर करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपने फिजिकल एसेट्स को, अपने प्लांट को, बिल्डिंग को, मशीनरी को, टेक्नोलॉजी को। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया ताकि आप उसको और डेवलप करो। तो इससे भी हमारा पोटेंशियल इकोनॉमी का बड़ा है, और टाइम फॉर प्राइवेट सेक्टर टू टेक अ बैटल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का थ्रस्ट यही है कि कैपेक्स हमारा क्रिटिकल ड्राइवर रहा है एमिड अनसर्टेन और चैलेंजिंग ग्लोबल एनवायरमेंट में भी। हमें ना हमारा जो कैपेक्स पे फोकस रहा था ब्रॉड बेस्ड था, चाहे वो रोड पे ट्रांसपोर्ट, हाईवे पे पैसे लगा रहे हैं, रेलवे पे पैसे लगा रहे हैं, सब पे पैसे हम ताकि इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारी बूस्टअप हो जाए। तो ये हमने करा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम कवरेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ रिमेन्स रिस्ट्रेंड। अब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अभी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा, अब यू शुड अवेयर अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमें देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे क्या बोला गया है, रिस्ट्रेन हो रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जब आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत हो रहे हैं, आपको सैलरी देनी पड़ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वेजेस देनी पड़ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यूटिलिटी बिल्स है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस है, ये सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कह रहे हैं, रिस्ट्रेन है। कह रहा है कैसे, कह रहा देखो लोअर देन बजटेड एस्टिमेट्स हैव नॉट रिजल्टेड इन कॉम्प्रोमाइज ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ रेवेन्यू स्पेंडिंग। रूरल डेवलपमेंट एजुकेशन में एलोकेशन इज स्लाइटली हायर देन बजटेड एस्टिमेट। तो कह रहा देखो आपको फिर बोरोइंग कॉस्ट कैसे लोअर करोगे आप। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कमिटमेंट ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन मीडियम टर्म में, इसमें रेवेन्यू को मिलाकर चलना होगा, असेट मोनेटाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा, तब जाके इसके रिस्ट्रेनिंग कम में खत्म होगी, है ना। और पता है सारी दिक्कत क्या है, देखो बहुत ना वर्ल्ड का सिनेरियो अच्छा नहीं है। प्राइस पता है फर्टिलाइजर्स के कितने ज़्यादा हैं, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सब्सिडी कितनी महंगी पड़ रही है हमें, एडिशनल फूड सब्सिडी देनी पड़ जाती है हमें, तो हमारा हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बहुत बड़ा होगा, रिस्ट्रेंड हो रखा है पूरा का पूरा। ओवरव्यू स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसिस की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ना कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव कर रही है, क्योंकि CAG की कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की जब रिपोर्ट आई ना, तो यहाँ पे जो FD है 30 स्टेट्स का वो 8.6% है, जो कि बजटेड था 9.1 लाख करोड़, तो वो हमारा कुछ हुआ। FD जो एज पर अ परसेंट ऑफ GDP है फॉर दी स्टेट 2.8% है, वो भी हमारा था। तो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग जो स्टेट गवर्नमेंट की है वो बहुत इंप्रूव हुई है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दीज आर द मैप्स बेसिकली 24 में, देखो आप जा ही रहे, क्वालिटी हमारे स्टेट की एक्सपेंडिचर की बढ़ रही है, तो लाइक दिस है ना। तो ये है हमारा स्टेट का जो डेट बर्डन है वो ग्रेजुअली ईज हो रहा है, उससे भी हमारा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारा ना आपको देखो रिपोर्ट से पता चल जाता है कि रिपोर्ट में क्या है। फिर जनरल गवर्नमेंट डेट की बात करें, तो देखो जनरल गवर्नमेंट डेट वो इंक्रीज हुई है स्लाइटली, क्योंकि हमारा प्राइमरी डेफिसिट डिक्लाइन कर गया है, मॉनेटरी बहुत टाइट चल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ना बजट का नॉमिनल GDP ग्रोथ कम हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और हम ना फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए भी कमिटेड है। इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट का डेट जो है वो स्लाइटली बढ़ा ही बढ़ा है, स्लाइटली बढ़ा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन स्लाइटली बढ़ा है। हर किसी चीज़ का ना नोट बना लो, ये बड़ी चीज़ बड़ी है, ये चीज़ घटी है। अब यूनियन जो गवर्नमेंट डेट है इज करेक्टराइज बाय लो करेंसी है, इंटरेस्ट रेट पे रिस्क है हमारा, तो इसी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रेजुअल हमारा इलॉन्गेटेड है, मैच्योरिटी है प्रोफाइल्स में, ये हमारा डेट का है। सस्टेन जो हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है फिस्कल मैट्रिक्स में, क्योंकि इंडिया का क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, अगर S&P की ग्लोबल रेटिंग देखें तो इंडिया का क्रेडिट रेटिंग आउटलुक जो है वो स्टेबल आया। ये वाली मार्क्स कर लेना, लाइनों को मार्क कर लो, जहाँ जहाँ मार्क डाला। इंडिया का 10 बेंचमार्क बॉन्ड जो है वो ड्रॉप, वो 30 to 50 basis points हुआ है, यानी कि ड्रॉप बेंचमार्क बॉन्ड का इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो टू डिक्लाइन इन जनरल, लीडिंग टू ओवरऑल लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बिजनेस एंड हाउस होल्ड। तो दिस वुड फिस्कल स्टिमुलस में हमें हेल्प करेगा, ये पार्ट भी अच्छा दिखाया इन्होंने। अब मॉडरेशन है इन्फ्लेशनरी प्रेशर पे देख लेते हैं। तो देखो मॉडरेशन का मतलब क्या है इन्फ्लेशनरी प्रेशर पर, तो यहाँ पर ये कह रहा है देखो ग्लोबल चेन में भले ही ना डिसरप्शन बहुत ज़्यादा है, एडवर्स वेदर कंडीशन है, डोमेस्टिक में इतना इन्फ्लेशनरी प्रेशर है कि आप समझ नहीं पाओगे, मतलब एवरेज 6.7% था, अभी वो 5% हमने डिक्लाइन होता हुआ देखा है। तो हमने ना क्या करा है, ऐसे कि हमने यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ ना प्रॉम्प्ट मेजर्स लिए, हमने ओपन मार्केट सेल करनी शुरू कर दी, हमने स्पेसिफाइड आउटलेट्स को रिटेल किया, हमने टाइमली इंपोर्ट करा, हमने LPG के प्राइस, सिलेंडर्स के प्राइसेस को कट किया, पेट्रोल प्राइसेस को कट किया, डिक्लाइन किया हमने डीजल प्राइसेस को। तो RBI करते करते 20 to 50 basis points पर आया।
यहाँ पर हम ना मैनेज कर रहे हैं कि हमारी लिक्विडिटी मैनेज हो जाए, क्योंकि इवन एज हायर रेट पॉलिसी ट्रांसमिटेड थ्रू द सिस्टम, आरबीआई कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्रोथ पे हम करते जा रहे हैं। फिर भी अभी हमारा देखो जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है, वो 5.1% रहा जून 2024 का। कोर इन्फ्लेशन वो डिक्लाइन होकर 3.1% आया है। तो कॉन्सिक्वेंटली इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर पीयर टू ट्रांसफर सा हाई ग्रोथ है, लो इन्फ्लेशन पीरियड है। इतना अगर आप और दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री को कंपेयर करोगे तो हमारी कंट्री में डेफिनेटली ग्रोथ भी अच्छी है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी हमारा कम है और फाइनेंशियल सिस्टम रिमेन्स रिजिलियंट। देखो करना ही पड़ेगा, आरबीआई को तो कॉन्टिन्यूसली ना निगाहें बना के रखनी पड़ेंगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे, फाइनेंशियल सिस्टम पे, ताकि कोई शॉक ना लगे इकॉनमी को। तो देखो आरबीआई ना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है, निकाला तो पता चला जो एसेट क्वालिटी है स्टेबिलिटी रिपोर्ट से वो हमारा अच्छा है, ठीक ठाक है, डिक्लाइन हुआ है हमारा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में भी, तो वो भी है। और हम ना बहुत ही ना देखो हमारा आरबीआई बहुत प्रोएक्टिव तरीके से रेगुलेटरी एक्शन भी ले रहा है। हमने इकॉनमी को बढ़ाने के लिए आरबीआई टाइटन करता रहता है अपने पोर्टफोलियोज को, अनसिक्योर्ड लोन्स के ग्रोथ को ये सब कुछ देखता रहता है, एनबीएफसी को चेक करता रहता है, तो उससे भी हमारे बैंकिंग सिस्टम साउंड चल रहा है अभी। अब है इंडिया का जो एक्सटर्नल सेक्टर है सेफली नेविगेटिंग थ्रू अनसर्टेनिटी, तो है वो हाई हर कई जगह पर है। शार्पर डिक्लाइन है हमारा इंडिया का मर्केंडाइज इंपोर्ट ग्रोथ में, कमोडिटी प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, लोअर ट्रेड डेफिसिट है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, कहीं पर ख़राब भी हैं। तो ऑप्टिमिज्म है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, प्रोग्रेसिव है, पॉलिसी अच्छी चल रही है हमारी, इंडिया एक रोबस्ट ग्रोथ आगे भी देख सकता है। तो आपसे एक अच्छा सा करते हुए इसने कंक्लूड करते हुए कहा है, इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो डेफली मैनेज विद कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैं हमारे पास पड़े हुए, उसकी भी हमें कोई इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिडक्शन देखोगे मैक्रो वल्नरेबिलिटी में, तो क्योंकि फिस्कल हम मैनेज कर रहे हैं तो फिस्कल डेफिसिट हमने जो देखा, और ये कहा भी जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप 4.5% तक हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26 तक। तो कमिटमेंट है हमारा कि सॉवरेन डेट सस्टेनेबल और कीपिंग सब जितने भी आपके सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स हैं वो हमेशा हम चेक करते रहें, मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, कि हमने इस चैप्टर में देखा कि इसीलिए यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी जो स्कीम्स थी ना उन्होंने बहुत काम किया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन देना, आपके पीएम उज्ज्वला योजना की वजह से टॉयलेट्स को बिल्ड करना, तो हमारा सैनिटेशन अच्छा हुआ, स्वच्छ भारत मिशन अच्छा हुआ, बैंक अकाउंट हमने खोले, पक्का हाउसेस दिए अंडर पीएम आवास योजना। तो ये सारे चीज़ों से हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है ना वो 9% लेफ्ट बिहाइंड टारगेट भी कर रहा है। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च करा बैकवर्ड रीजन्स के लिए, वाइब्रेंट विलेजेस को, बॉर्डर एरियाज को, विकसित भारत संकल्प यात्रा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारे ट्रांसफर वगैरह से ना इस तरह के पॉलिसी मेजर्स की वजह से हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बेनिफिशरी देखो कितने बेनिफिशरीज ने बेनिफिट उठाया है स्वच्छ भारत से, देखो जनधन योजना 51.6 करोड़ बेनिफिशरी वहाँ से बने हैं, स्वच्छ भारत की वजह से हमारे कितने सारे टॉयलेट्स बने, वाटर टैप कनेक्शंस बने, तो ये सारी स्कीम्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक्चुअली बात सारी ना ये होती है, देखो स्कीम्स आपके अच्छा काम कर जाएं, तो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया जो एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 15 साल से अबव सा हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस द पेंडेमिक, बहुत डिक्लाइन हुआ है, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशो अच्छी हुई है, फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट आपका बढ़ा है सिंस 6 ईयर्स, इन सबसे बहुत सारे फायदे हुए हैं देखने में। सिस्टमैटिक क्योंकि इंडिविजुअल डेप्रिवेशन एड्रेस करा गया, पॉवर्टी को रिड्यूस करा गया, सोशल सेक्टर्स की कुछ स्कीम्स लेकर आए गए, तो कह रहा है इसकी वजह से हमारा हेड काउंट रेशो भी देखोगे अगर आप तो पॉपुलेशन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर हैज डिक्लाइन, एमपीआई जो है वो आपका डिक्लाइन हो रहा है, उन्होंने तो दिखा दिया देखो एमपीआई भी डिक्लाइन हो रहा है हमारा। तो आउटलुक देखा जाए तो मतलब हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है प्री इकॉनमिक कोविड के बाद से, तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ हमारी निकल कर आई है, और IMF का प्रोजेक्शन है कि वो बहुत सारे ग्रोथ को भी मैनेज कर लेगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को भी मॉडरेट करके चलेगा। डाउनसाइड अगर कोई एस्केलेशन देखने को मिलती है तो बस देखो वही सब है, 2024 में डिसलोकेशन, हाई कमोडिटी प्राइस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना ये अगर ख़त्म हो जाती हैं तो इससे हमारा पूरा वापस से चीज़ें वापस से क्रिएट हो जाएंगी। बैलेंस शीट बाकी हमारी इंप्रूव हुई है, नॉर्मल रेनफॉल फॉरकास्ट भी है इस बारी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी जिन्होंने कहा है कि वो भी ठीक हो जाएगा, जो ग्रोथ अभी बहुत वहाँ पर स्टेडी हुई है। तो गाइस दिस इज़ व्हाट अवर फर्स्ट चैप्टर इज कंसर्न्ड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे टू ऑल।